ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक आप ये पढ़ चुके हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है और उसकी सब ब्रांचेस, मेजर सब ब्रांचेस कौन कौन सी। आज का जो लेक्चर है इसमें आपको मैं ये समझाऊंगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये टर्म्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि जब तक आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको ये टर्म्स काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है पोजीशन। अब मैं उसको डिस्कस करता हूँ, ठीक। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, टर्म्स रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स, टर्म्स रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ओके। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, टर्म्स रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स। और उसमें सबसे पहला जो काम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पोजीशन। क्या है वो पोजीशन, पोजीशन क्या होता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि किसी भी चैप्टर का या किसी भी ब्रांच का एक टास्क होता है और ये बताता है कि ये जो चैप्टर है इसका एपिसेंटर ये है और इसी के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमने वाला है, ठीक है, समझ में आ रही ना बात। तो बेसिकली ये पोजीशन इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स का टास्क ही ये होता है कि आपको क्या करना है, किसी मूविंग पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन निकालना है। अगर आप एचसी वर्मा पढ़ेंगे, एचसी वर्मा ने बुक ली है क्वांटम फिजिक्स, आप अगर क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं एचसी वर्मा की, तो उसमें उन्होंने लिखा है यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द आइडिया बिहाइंड क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट इज द टास्क बिहाइंड क्लासिकल मैकेनिक्स व्हिच इज टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। आसान भाषा में ये मतलब हो जाता है कि किसी भी पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं उसकी पोजीशन पता कर लूँ तो क्लासिकल मैकेनिक्स का टास्क कंप्लीट हो जाता है। ये बात सिर्फ एच सी वर्मा नहीं कहते, जबकि गोल्डस्टीन जो बहुत ही एडवांस बुक लिख चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स पे, उनकी किताब में भी ये बात लिखी है। तो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आ गया कि जो पोजीशन है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये उसका एपिसेंटर है, पूरा का पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स की स्टडी ये पोजीशन वर्ड के आसपास ही घूमने वाली है, ओके। ये बात समझ में आ गई। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है तो क्यों ना इसको डिस्कस